वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंटडाउन वाइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब बद्री धाम कैसे जाएं उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जाए बद्री वो ना आए ओत्री, अर्थात जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर ले उसे दोबारा माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अलकनंदा के किनारे और नर नारायण के पहाड़ों के बीच बसा है भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक, जिसे आज दुनिया बद्रीनाथ के नाम से जानती है, जो कि भारत के चार धामों में से एक है। एनएमएफ न्यूज से मैं कविता आपको ले चलती हूँ बद्रीनाथ धाम की अद्भुत यात्रा पर। जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब अपने भक्तों को कष्टों से वारने के लिए दुनिया के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने जन्म लिया है। जिस तरह त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारका और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है, उसी तरह सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना गया है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में आज भी तप कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान बद्री के दर्शन की उम्मीद लिए मन में आस्था का दीप जलाए हम निकल पड़े इस अद्भुत यात्रा पर। दिल्ली से करीब 527 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। मंजिल जितनी दूर थी, रास्ते में आने वाले नज़ारे उतने ही मनमोहक। रात को दिल्ली से हम बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े, बिना रुके हम लगातार सफर पर आगे बढ़ते रहे। हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग होते हुए सुबह 5 बजे जब हमारी आँख खुली तो हम 82 पहुँच चुके थे। हमने थोड़ी देर 82 में रुकने का फैसला लिया और पहाड़ी चाय की चुस्की ली। सुबह सुबह तड़के इस गर्मा गर्म चाय से हमारा मन एकदम तरोताज़ा हो गया और अब हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आगे बढ़ते हुए ये राहें जितनी खूबसूरत थी, राह उतनी आसान नहीं थी। धीरे धीरे आसमान में काले काले बादल छाने लगे, रिमझिम बारिश के साथ हमारी गाड़ी भी आगे बढ़ती रही, क्योंकि हम सितंबर के महीने में निकले थे, लेकिन एक तरफ तो बारिश थी, वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का डर। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे थे, बादलों की सफेद चादर में गुम होते जा रहे थे। कहीं पहाड़ों की हरियाली में मन खो गया तो कहीं झरनों ने हमें यूं ही अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपल कोटी और हेलांग को पार करते हुए जैसे ही हम जोशीमठ से आगे निकले, गोविंद घाट पर मौजूद पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसके बाद हमने
वापस जोशीमठ जाने का फैसला किया। जोशीमठ उनके खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त दिखा। रुक सकते हैं, अगले दिन सुबह हम दोबारा बाबा बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए निकले। आसमान से बादल छट चुके थे और सुनहरी धूप खिल चुकी थी। इस बार बिना किसी रुकावट हम रास्ता पार करने में कामयाब रहे। गोविंद घाट से जहां 17 किलोमीटर दूर फूलों की घाटी है, 20 किलोमीटर आगे हेमकुंड साहिब, तो वहीं 16 किलोमीटर दूर औली मौजूद है, जहां लोग खास तौर पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमें बद्रीनाथ धाम पहुंचना था, इसलिए गोविंद घाट पार करने के बाद जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के पास आते गए, एक से बढ़कर एक कुदरत के अनोखे रूप हमें देखने को मिले। जहां तक आपकी नजरें पहुंचेंगी, सीना ताने विशाल पहाड़ दिखाई देंगे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और उनकी गोद में समाए मनमोहक झरने प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। 3 दिन के सफर के बाद अब हम बद्रीनाथ में थे। भगवान बद्री का विशाल मंदिर हमसे कुछ ही कदम दूरी पर था। थोड़ी देर यहाँ के बांगर भवन में आराम करने के बाद हम सीधा बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। सामने एक तरफ नर तो दूसरी तरफ नारायण पहाड़ था और बीच में उफंती अलकनंदा नदी, जिसके किनारे बसा था कस्तूरी शैली में बना बद्रीनाथ मंदिर, जहां की मार्कंडे शिला में बैठकर भगवान बद्री ने करीब 66 साल तक तप किया। इसी तरह 4 और शिलाएं हैं, नारद शिला, गरुड़ शिला, वरहा शिला, नरसिंह शिला, जिनमें बसा है भगवान बद्री का आश्रम। इन शिलाओं का भगवान बद्रीनाथ से गहरा संबंध है, ये जानने के लिए हम पहुंचे मंदिर के पुरोहित श्रीकांत बडोला के पास। जिस जगह पे आप बैठे हुए हो, इसको मार्कंडेय शिला कहते हैं। यहाँ पहले किसी जमाने में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम हुआ करता था, तो मार्कंडेय भगवान ने यहाँ पे भगवान नारायण का तप किया था। तो कहते सप्त कल्पांत जीवनम, तो भगवान ने उनको वरदान में कि 7 कल्पों का पृथ्वी के उदय से और पृथ्वी के अंत तक का उनको वर्णन दिखाया था, 7 कल्पांत। तो इसी जगह पे बैठ के भगवान नारायण ने 66,000 वर्षों तक तप किया। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के ऊपर बेर होता है खाने वाला फल, उसके वृक्ष के रूप में छाँव की, तब भगवान ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया कलयुग में धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो संस्कृत में बेर के पेड़ को कहते बद्री, इसलिए इस धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम। तो बद्रीनाथ का अर्थ होता है लक्ष्मी के नाथ। जो मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए वो बद्रीनाथ है। बद्री विशाल, विशाला नामक राजा की नगरी थी विशालापुरी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को बद्री विशाल कहते हैं। बद्रिकाश्रम, माता लक्ष्मी ने वृक्ष के रूप में छाव करके जो आश्रम सा बनाया, इसलिए बद्रिकाश्रम कहते हैं। तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र यही है, जो सतयुग का धाम है वो बद्रिकाश्रम है। Thank you.
मात्र एक पत्ते तुलसी से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद के तौर पर उन्हें विशेष तौर पर पन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, मिश्री और गिरी का गोला चढ़ाया जाता है। जैसे ही हमने मंदिर के परिसर में कदम रखा, आंखों के सामने पीले चंदन भगवान बद्रीनाथ की भव्य मूर्ति विराजमान थी। हमें अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, ऐसे में हमें प्रभु के अलौकिक रूप को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद करना पड़ा। इस बीच हमारी नजर मंदिर के रावल पर पड़ी, जिनके अलावा भगवान बद्री को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसा है, हमारे गुरुजी जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति का पुनः प्रतिष्ठा कराया। वो हमारे केरला का संप्रदाय का पूजा है। ये केरला का पूजा का संप्रदाय करने का अधिकार केवल केरला के नंबूदरी लोगों का, इसलिए केरला के नंबूदरी लोग इधर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं। कहते हैं जिस तरह रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान के लिए आते हैं, द्वारका में श्रृंगार के लिए आते हैं, जगन्नाथपुरी में भोग प्रसादी के लिए, ठीक उसी तरह जप तप के लिए बद्रीनाथ आते हैं। भगवान की इस तप भूमि को मोक्ष धाम भी माना जाता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान अलकनंदा के किनारे पितरों को पिंड दान किया जाता है। श्राद्धों का आरंभ अगर गया से होता है तो अंत बद्री के आश्रम में जाकर होता है। बद्री का आश्रम का महत्व है कि पिंड कृत्वा विशालायाम, कि यहाँ पे श्राद्ध विशालापुरी में आप कहीं भी श्राद्ध करो, पितृ अदृश्य भामिनम, कि यहाँ श्राद्ध करने से पितृ अदृश्य रूप देश स्वरूप में हो जाते। अन्य क्षेत्र न च श्राद्धम, और अन्य क्षेत्रों में श्राद्ध नहीं होता है यहाँ करने के बाद, केवलम तर्पणम आचरित, इसके बाद जल दान दिया जाता है। तो यहाँ पे भगवान का महाभोग लगता है, चावल का प्रसाद लगता है, वो पितरों को दिया जाता है, उसके बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। यहीं पर कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो त्रिशूल में जो सर रह गया था तो वो यहीं आके ब्रह्म कपाल में छूटा। तो ये वही क्षेत्र है, मुक्तिधाम क्षेत्र है। इस समय सभी लोग यहाँ पे अपने पितरों पूर्वजों को जलदान पितृ प्रसाद दे के तृप्त करते हैं। इस समय पितरों का पक्ष है, और यहाँ पे पितृ पक्ष में पितृ कार्य करवाना बड़ा दुर्लभ माना जाता है। बद्रीधाम का ये वो पवित्र तप्त कुंड है जहाँ स्वयं अग्निदेव साक्षात जल के रूप में विराजमान है। तभी तो इस कुंड में नहाने मात्र से ही इंसान के तमाम पापों का नाश हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि कुंड में मौजूद पानी कहां से निकलता है। आखिर इतने खौलते गर्म पानी से किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? ये वो सवाल थे जिनके आगे विज्ञान भी फेल नजर आया। भगवान अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप लगा, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार है सब में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। तो अग्निदेव को जब भक्षा भक्षी का पाप लगा कि अग्नि के पास अगर कोई पक्षी भी उड़ के गया वो भी भस्म हो गया, कुछ कूड़ा करकट पड़ा वो भी भस्म हो गया, तो जब भक्षा भक्षी का पाप लगा तो अग्निदेव जाके क्षीर सागर में तप करने लग गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे लोगों के पाप धो। तो अग्नि तो किसी का पाप धो नहीं सकती, क्योंकि अग्नि के पास जो भी जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो अग्निदेव ने यहाँ जब तप किया तो उनको भगवान ने यहाँ जल के रूप में विचरित किया। तो यहाँ पे अग्निदेव साक्षात जल के रूप में, ये पानी कितना भी गर्म हो जाए शरीर को नुकसान नहीं करता है। ये गरुड़ शिला है, वहीं से उसका उद्गम दिखाई देता है, उससे पता नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट लोग आगे पता नहीं कर पाए पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है। बद्री आश्रम में शिलाओं से अनेकों मंदिर नजर आए, जिसमें हमें महाप्रभु जी की 77वीं बैठक भी दिखी, जहां वैष्णव संप्रदाय के महाप्रभु आचार्य वल्लभ ने तपस्या के बाद भागवत सप्ताह की और बद्री विशाल को कथा सुनाई। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने तपस्या की। भगवान
जब यहाँ बद्री का आश्रम में आए तो उन्होंने यहाँ पे भगवत सप्ताह की और भगवान बद्री विशाल को तो यहाँ पे जो भगवान बद्री विशाल बावन द्वादशी के दिन में भगवान फल ला करके और माँ प्रभु जी को प्रसादी आरोग्य की। यहाँ पे विशेषकर जो भगवान वल्लभाचार्य जी पूरे भारतवर्ष में 84 बैठक पूरे भारतवर्ष में 11 वर्ष की अवस्था में पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करी ठीक। और यहाँ पे उन्होंने जहाँ जाए गए वहाँ भगवत सप्ताह की तो उनको फिर बैठक कहा गया, मतलब भगवान की जो बैठक हुई उनको बैठक कहा गया। 84 बैठक इस 77 नंबर की बैठक बद्रिकाश्रम यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं जहाँ पे आप बैठे बद्रिकाश्रम। कुदरत की गोद में पद्मासन की मुद्रा में बैठे बद्रीनाथ आज भी तप कर रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से ही न सिर्फ तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जिस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन भगवान बद्रीनाथ अपने स्थान पर ही विलीन हो जाएंगे और नए स्थान पर भगवान के दर्शन होंगे, जो कि भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ धाम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था एक ऐसा गांव जिसे देश का आखिरी गांव कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं माना गांव की। कहते हैं इसी गांव से धरती का स्वर्ग निकलता है। यहां मौजूद गणेश गुफा से लेकर व्यास गुफा, भीमपुल, वसुधारा और सतोपंत ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अपने आप में पौराणिक इतिहास समेटे हुए हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम तक आते हैं तो माना गांव का रुख किए बिना लौटे नहीं, क्योंकि कहते हैं जो इंसान माना गांव जाता है उसे कभी भी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ती। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद था बद्रीनाथ से जुड़ी यादों का वो खजाना जो हम अपने साथ सजो कर लौट रहे थे। बद्री धाम की कहानियां, मतलब कैसे बद्री धाम हम जा सकते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल है वीडियो के माध्यम से। तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से हर कोई देख ले, हर कोई जा नहीं पाता है बद्री धाम को, तो इससे भी लोग देखेंगे, थोड़ा नॉलेज मिलेगा, जाने के थोड़ा जरिए मिलेगी। और क्या देखते हैं ना, तो जो सलग आ जाती है कि जाने के मतलब सोचते हैं तो सचमुच में जो बद्री रात है बद्री धाम को जाने के लिए जरूर उनको बुलावा आ जाता है। तो वीडियो में कितना अच्छा अच्छा रहस्य दिखाए, मतलब जगह दिखाए, पहाड़ों झरना आश्रम कितना मतलब अच्छा, वहाँ के जो रहस्य है वो भी सब बताए हैं, कि जो अग्निदेव की कहानी बताए हैं कि वीडियो में कि मतलब जब अग्निदेव थे जो भी कोई मैंने कार्य होती थी धर्म होती थी तो उनके अग्नि से जो भी पक्षी मतलब जाते थे उड़ते थे, खर पतवार भी पड़ता था सब भस्म हो जाता था, तो उनको पाप लग गया। वो सोचते थे कि हमको पाप लग रहा है तो हमको क्या फायदा, हवन करते हैं हमारे हवन के माध्यम से मतलब जो पक्षी उच्छी उड़ते हैं तो मतलब हानि होती है, तब इसलिए भगवान लग गए। तो भगवान बोले जो बद्रीनाथ है बोले कि हमारे बद्री धाम में आइए, वहाँ पे तपस्या कीजिए, वहाँ पे तपस्या आप करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ उद्धार होगा। तो फिर वो जो अग्निदेव थे तो बद्री धाम को गए, वहाँ पे बैठ कर तपस्या करने लगे। जब तपस्या उनका पूरा हो गया तो बद्रीनाथ जो हमारे बद्रीनाथ जो श्री हरि हैं हमारे विष्णु भगवान के उनके सामने प्रकट हुए, तो उनको आशीर्वाद दिए। तो उसके बाद वहाँ पे मतलब जल के रूप में गर्म जल के रूप में प्रकट हो गए। तो जो भी कोई वहाँ पे यात्री जाते हैं, जो भी दुख परेशानी होती है दर्द पीड़ा होता है, बहुत लोग के मतलब शरीर से भी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत रोग भी होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो उस कुंड में नहाते हैं तो शरीर मतलब पाप खत्म हो जाता है, हमेशा पानी गर्म होती है। तो अग्निदेव के मतलब तपस्या के उनको कर्म के मतलब फल मिला है, तो उसी फल सबको लगता है, जो भी कोई जाता है तो उसमें नहाता है तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, जो भी रोग होता है खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में कहानी बताएं कितना अच्छा लगा ना, कहते हैं बहुत मेहनत से फल मिलता है, अगर कर्म करते हैं तो फल जरूर मिलता है, तो कर्म करते जाइए, फल के अवस्था मत कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान अन्याय नहीं होने देते हैं।
तो कर्म करना चाहिए और फल तो मिलता ही है। और फिर बताया जो नर नारायण जो पर्वत है, जब एक दिन टच हो जाएगा तो नारायण के फिर वहाँ पे मतलब कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे वहाँ से फिर वो कहाँ चले जाएंगे, बद्री विशाल तो गांव था, मतलब कोई राजे थे तो इसलिए वहाँ पे बद्री विशाल के नाम से लोग जानते हैं। बद्री विशाल के नाम से वो गांव था, राज्य था, वो जानते थे। मगर हमारे बद्री जो नाथ हैं, जो हमारे श्रीहरी हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सुंदर हैं, कितने खूबसूरत वहाँ पे बैठे हैं, कितने सालों तक तपस्या करे हैं तब जाके वहाँ पे मतलब धाम बना है। तो हर कोई तपस्या करता है, तब धर्म करता है तो ही आगे बढ़ पाता है। हर कोई सोचता है कि हम ऐसे ही भगवान बन जाए, ऐसे ही आगे बढ़ जाए, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। मेहनत से ही फल मिलती है, मेहनत से पैसे ही मिलता है। अगर हम मेहनत से कमाते हैं तो पैसे आता है, चोरी से कमाते हैं, छल से कमाते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी के छीनते हैं तो पैसे पैसे नहीं रह जाता, वो किसी दिन किसी समय के लिए रहता है, उसको बाद में खत्म हो जाता है। ऐसे आप लोग काम मत कीजिए, अच्छाई हमेशा अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। तो जो नर नारायण के जो पर्वत है कितने अच्छे बताए हैं कि वे भी टच हो जाएगा तो नारायण जी फिर कहाँ जाएंगे, भविष्य बद्री, जो भविष्य बद्री है जो लास्ट गांव है पहाड़ों के वहाँ पे है, मतलब वही बद्रीनाथ के कुछ थोड़ी दूर के दूर पे है। वहाँ पे जाने से क्या होता है, जो भविष्य बद्री मान लीजिए अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं धाम, बद्री धाम को जाते हैं तो वहाँ से भविष्य बद्री भी जाना चाहिए। अगर भविष्य बद्री जाते हैं तो वहाँ जाने से पैसे कभी तंगी नहीं होती है, हमेशा वो बंदा वाले माल रहता है, हमेशा उसका जिंदगी में हमेशा परेशानी खत्म हो जाता है, सदा मतलब खुशी के समय आ जाता है। तो वहाँ भी आ जाना चाहिए। तो ये वीडियो दिखाए हैं, कितना अच्छा लगा, कितना प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स ये कहानियाँ हैं हमारे नाथ जी के, श्रीहरि के, बद्री धाम के। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखेंगे तो आप लोग के भी समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।